Good afternoon, dear student. I am Sharda Prasad, assistant professor from Mechanical Department, Bharati College of Engineering and Technology. आज का लेक्चर डिप्लोमा सिक्स एंड डिप्लोमा सेकेंड सेम लैब पी एन सी एफ बेसिक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स लैब. टॉपिक है के वाई सी गोबर गैस प्लांट. क्या होता है, हमको एल पी जी गैस तो आज की डेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका अदर रिसोर्सेस हमारा क्या होता है, गोबर गैस प्लांट है, जिससे हम क्या होता है मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है. मीथेन गैस का हम उपयोग खाना बनाने, पानी गर्म करने, ये सब यानी रसोइयों में इसका उपयोग जनरली हम करते हैं. तो के वाई सी का गोबर गैस प्लांट को जाने से पहले क्या होता है, ये एक कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस प्लांट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है. इसको फ्लोटिंग टाइप गैस गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं, फ्लोटिंग टाइप का, क्योंकि ऊपर का डोम जो रहता है वो क्या होता है, मूव होता है, फ्लोट होता है. और के वाई सी क्या होता है, ये इंडिया में होता है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नाम से जाना जाता है. के वाई सी गोबर गैस प्लांट खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नाम से. तो इसके मेन मेन पार्ट्स हैं हमारे स्टडी करेंगे. इसमें क्या होता है, इनलेट टैंक होता है, जहाँ पे हम जो स्लरी या कैटल जो पशुओं का जो रहता है मलमूत्र और क्या होता है वेस्टेज मटेरियल जो होते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होता है, पानी के साथ मिक्सिंग करते हैं. एक इनलेट पाइप होता है, एक हमारा क्या होता है वॉल होता है, उसके बाद एक सपोर्ट वॉल होता है, एक पार्टीशन वॉल होता है, फिर एक आउटलेट पाइप, फिर आउटलेट होता है. इधर वाला पार्ट में देखेंगे तो हमारा एक बायोगैस कलेक्टर होता है, ऊपर एक बायो फ्लोटिंग टाइप गैस होल्डर होता है, और उसमें गैस वॉल होता है, और एक आउटलेट का रहता है बायोगैस का. तो इसका सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारा जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है सबसे पहले हम कहाँ इकट्ठा करते हैं, इनलेट में इकट्ठा हो जाता है. किसके साथ, वाटर और मिक्सर के साथ हम करते हैं, एक अनुपात एक रेशो में हम करते हैं. तो ये इससे इनलेट होता है, ये इनलेट पाइप से होते हुए किसमें आता है, एक डाइजेस्टर में आता है. डाइजेस्टर टैंक जो होता है वो जमीन के नीचे होता है. क्या होता है, इसमें एक पार्टीशन वाल होता है. इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, इसमें एसिड फॉर्मेशन भी होता है और मेथेन फॉर्मेशन होता है. दोनों के लिए हमको अलग बैक्टीरिया अलग टेम्परेचर में इन्वायरमेंट के कारण उसमें एक एसिड फॉर्मेशन और एक बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है. फिर ये जो फॉर्मेशन होने के बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है मीथेन गैस, वो किसमें कन्वर्ट होती है, हमारे फ्लोटिंग टाइप यानी बायोगैस ऊपर फ्लोटिंग टाइप का जो टैंक चैम्बर होता है जो जनरली स्टील का बना होता है, उसके ऊपर हमारा क्या होता है गैस फ्लोटिंग टाइप गैस होल्डर होता है, गैस वॉल और बायोगैस होता है. तो जो गैस होती है ऊपर कलेक्ट होती है और गैस वॉल को ओपन करके हम बायोगैस का उपयोग करते हैं. अब क्या होता है, जो मीथेन गैस बनी और जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचा है वो किससे पास होते जाता है, आउटलेट पाइप से पास होता है, और आउटलेट पाइप में वहाँ से इकट्ठा होता है. और जो वेस्ट मटेरियल है हम उसका उपयोग पेड़ पौधे या खाद के रूप में फसलों में उपयोग करते हैं. तो फिर यहाँ से हमको आउटलेट मिल जाता है. अब सबसे बड़ा चीज़ होता है, इसका मेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं. एडवांटेजेस है कि ये वर्क अंडर द कॉन्स्टेंट प्रेशर, पहले ये कॉन्स्टेंट प्रेशर में काम करता है, ऊपर नीचे यानी कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा नहीं होता. सेकंड है नो प्रॉब्लम ऑफ गैस लीकेज, गैस लीकेज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. थर्ड है नो डेंजरस फॉर गैस फॉर एक्सपोजर, क्योंकि बाहर में यदि इसका यदि कुछ होता है तो दुर्घटना होने की बहुत कम चांसेस होती हैं. अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इनिशियल कॉस्ट क्या होता है इसका बहुत ज़्यादा है. और इसका मेंटेनेंस, जो ऊपर का जो टैंक होता है जनरली स्टील का बना होता है, हमको इसको करोजन से बचाने के लिए हमको पेंट करना पड़ता है समय समय पर. थर्ड है इसका इनलेट और आउटलेट पाइप को भी हमको बीच बीच में कुछ दिनों में मेंटेनेंस करना पड़ता है. तो ये सब चीज इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं. और इसकी सहायता से हम लोग के वाई सी की सहायता से गोबर गैस प्लांट की सहायता से हम मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो हम किचन और कुकिंग के लिए पर्पस के लिए रसोई गैस में यूज़ करते हैं. ये हमारा स्टडी है बी एन सी एस लैब. थैंक यू.